नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीमून प्रॉपर्टीज में। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं जो प्रॉपर्टी लेने से पहले आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि देहरादून में जो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं वो अधिकतर बाहर से लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो लोगों को कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उनको ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी जिस भी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है उसकी रजिस्ट्री के कागज़ चेक करें, और रजिस्ट्री के कागज़ चेक करने के बाद आप उसके जो खसरा नंबर को उसकी वेबसाइट पर चेक करें, जिसका विवरण पूरा मैं आज दिखाऊंगा आपको कि कौन सी वेबसाइट पर जाकर के खसरा नंबर चेक कर सकते हैं। खसरा नंबर में देखें कि दाखिल और खारिज, जो दाखिल हो रखी है प्रॉपर्टी वो उसी व्यक्ति के नाम से हो रखी है जिस व्यक्ति ने वहाँ पर अपने नाम से रजिस्ट्री कराई है। दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पर हो गया, आप देख सकते हैं चारों तरफ। मेरा आज थोड़ा सा बाहर निकल रहा था, लेकिन मुझे ध्यान आया कि अपने दर्शकों का थोड़ा ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ, अपने मोबाइल पर ही दिखाता हूँ आपको मैं किस तरीके से आप लोग इस चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, खसरा नंबर से किस तरीके से आप लोग प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के द्वारा आप उसकी मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल खोलेंगे, गूगल क्रोम पर जाकर के मोटेशन चेक देहरादून डालते हैं, फिर आप देख सकते हैं आप सेकंड नंबर पर bhulekuk.gov.in वेबसाइट है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनपद चुने, तहसील चुने, ग्राम चुने, ये दे रखा है। जनपद में आपके ये सारे जनपद के नाम आ रहे हैं, जैसे कि मैंने देहरादून यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर नाम आ रहा है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, उद्धम सिंह नगर। यहाँ आप देख सकते हैं तहसील चुने, ग्राम चुने, उसके बाद ग्राम का पहला अक्षर चुने, ये आ रहा है। तो हमने देहरादून यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद तहसील में हम देहरादून सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्राम के नाम आ गए हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी ग्राम हैं, ये जो ग्राम के नाम हैं ये सीरियल वाइज आए हैं, जैसे कि आप वर्णमाला में देख सकते हैं छोटा बड़ा और काखा गा, इस तरीके से पूरा ये अल्फाबेट के हिसाब से आता है। तो आप उसी हिसाब से अपने ग्राम का नाम देख सकते हैं, और रजिस्ट्री में आपको सारा विवरण मिल जाएगा। रजिस्ट्री के अंदर आपको ग्राम का नाम, जनपद का नाम, तहसील का नाम, सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रैंडमली कोई सा भी नाम ले लेते हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, ये आपका अर्कडिया। तो यहाँ पर अर्कडिया में हम देख सकते हैं कि इसके अंदर आते हैं तो खसरा घाटा द्वारा, खाता संख्या द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा, मोटेशन दिनांक द्वारा, विक्रेता द्वारा, क्रेता द्वारा, खातेदार के नाम द्वारा, इसके द्वारा हम यहाँ पर मोटेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खाता संख्या डालते हैं, खाता संख्या हम कोई भी रैंडमली डाल देते हैं, जैसे कि 700 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर खोजें का जो सर्च का जो ऑप्शन है वो भी इनेबल नहीं हुआ है, एक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी। अब देखिए यहाँ पर खोजें, ये जो सर्च का है, ये जो बटन है ये इनेबल हो गया है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर दीनदयाल हरिद्वार जी का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे उदाहरण देखें का, देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण देखे पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर ये दीनदयाल हरिद्वारी जी का नाम आ गया। तो यहाँ पर ये पूरा विवरण मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मैं दूसरा कोई खाता संख्या चूज़ करता हूँ बैक जा करके, तो उसमें शायद मुझे पूरा उदाहरण विवरण दिख जाए। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ दोबारा से खाता संख्या, खसरा नंबर के द्वारा मैं सर्च करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे खसरा नंबर दोबारा से डाल दिया है 700, ये रैंडमली मैं डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा जो भी आपका खाता संख्या आपकी रजिस्ट्री में दे रखा हो। तो फिर से उदाहरण, यहाँ ये देखिए ये पूरा विवरण यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर ये खाता संख्या, ये जो आप लेफ्ट साइड में जो ड्रॉ देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं ये खसरा संख्या आ गई है। यहाँ पर भूमि का क्षेत्रफल आ गया है, नीचे यहाँ पे आदेश आ गया है कि यहाँ पर भूमि किस किस के नाम से रजिस्टर हो चुकी है पहले, उसके बाद खारिज होकर फिर दाखिल किसके नाम से हुई है। तो मोटेशन को दाखिल खारिज भी बोलते हैं, बहुत से लोग मोटेशन के नाम से
शायद ना समझ पाए, तो दाखिल खारिज और म्यूटेशन एक ही चीज़ होती है। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि पहले जो भूमि थी जिसके नाम पे थी उसके उसके नाम से तहसीलदार उसको खारिज करके फिर दूसरे के नाम से दाखिल करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं खारिजकर्ताओं के नाम भी लिखे हुए हैं और दाखिलकर्ताओं के नाम सारे पूरे दिए हुए हैं। शुरू से लेकर आखिर तक भूमि जिसके नाम से थी दाखिल होकर खारिज हुई, फिर दाखिल होकर खारिज हुई, फिर दाखिल होकर खारिज हुई, फिर खारिज होकर दाखिल किसके नाम पर आखिर में हुई है वो हमें देखना पड़ता है। उसी हिसाब से हम सुनिश्चित करते हैं कि भूमि जो हमें रजिस्ट्री जिसके नाम से मिली है उसी के नाम से दी हुई है। तो दोस्तों इतना जो है आप ज़रूर देखें भूमि के लेने से पहले, क्योंकि सबका पैसा बहुत मेहनत का होता है और बहुत ही मेहनत से पैसा कमाया जाता है, और सब कुछ देखने के बाद सुनिश्चित करें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाएं कि कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। आपके लिए आपके पास आपको केवल अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको केवल जानकारी होनी चाहिए। जानकारी से ही हम लोग इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। तो यही चीज़ है, केवल जानकारी के द्वारा ही हम लोग फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये दाखिल खारिज आप अवश्य देखें। बाकी मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी दर्शक के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद ये दोस्तों। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और इस जानकारी को जरूर ध्यान रखें, और उसके बाद जो है रजिस्ट्री के कागज़ वगैरह सब चेक करने के बाद इन सब चीज़ों को आप प्रॉपर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।